अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किचन विद उम्मे फहद। आज मैं आपको मटन टिक्का बोटी को कोयलों पर बनाना सिखाऊंगी। बोनलेस मटन मैंने ले लिए, फ्रेश मटन है। इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और इसको वॉश आउट कर लिया है। इसमें मैं सबसे पहले गरम मसाला पाउडर 2 चम्मच और 1 से 1.5 चम्मच कच्ची पाउडर ऐड करूँगी। गरम मसाला पाउडर में मैंने कच्ची पाउडर मिक्स कर लिया है, 1.5 चम्मच पुदीना पिसा हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और 3 अदद लीमू का रस। कच्ची पाउडर और गरम मसाला पाउडर जो मिक्स करके मैंने रखा था उसको मैं ऐड कर दूंगी मटन बोनलेस में। लहसुन अदरक का पेस्ट, पुदीने का पेस्ट और लीमू का रस। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दूंगी। सारा मसाला अच्छी तरह बोटियों में मिक्स कर लूँगी। मसाला मिक्स हो गया, अब मैं इसको 4 से 5 घंटे मैरिनेट करके ढककर रख दूंगी ठंडी जगह पर, या आप रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। ये देखें, 4 से 5 घंटे बाद इसकी ऐसी कंडीशन है। अब इसको मैं सीखों में ऐड करके कोयलों पर फ्राई कर लूँगी। कोयले मैंने गरम कर लिए हैं और कुछ गरम हो रहे हैं। मटन की मैरिनेट हुई हुई बोटियाँ मैं ऐसे सीखों में ऐड करूँगी। सीखों पे लगाने के बाद आप इस पे ऑयल भी लगा सकते हैं। ये देखें, मैंने ऑयल लगा दिया। थोड़े ब्राउन होने के बाद, लाइट ब्राउन होने के बाद साइड चेंज करती रहूँगी। मटन टिक्का बोटी तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Thank you.